वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस पे प्रेस कर देना है, प्रेफरेंसेस पे प्रेस कर देना है, म्यूज़िक को पूरा लो कर देना है और कोई फाइट के बीच में इंटरफेरेंस नहीं हो करके इंटरफेरेंस ऑफ कर देना है। प्ले, बॉक्सिंग करियर पे प्रेस कर देना है, फेडरेशन ऑनलाइन पे प्रेस कर देना है और इन रेसलर में से कोई भी एक रेसलर चूज कर देना है। डिनाई, स्टार्ट और स्क्रीन पे जो भी लिखा है उस पर दो बार प्रेस करते जाना है। आप यहाँ हायर टैलेंट देख सकते हैं, हायर टैलेंट पे प्रेस करना है से आप यहाँ से कोई भी रेसलर हायर कर सकते हैं। मैं टैंजेंट फोर्स को हायर करके दिखाऊंगा। स्क्रीन पे जो भी लिखा है उस पर दो बार प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं हायर करने के लिए 1,98,400 मांग रहे, जितने मनी अपने पास है नहीं तो अपन टैंजेंट फोर्स को अब हायर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बैक कर देना है। बैक, फिर से प्ले, बॉक्सिंग करियर, स्टार्ट न्यू, रिस्टार्ट, फिर से वही प्रोसेस करनी है। यहाँ से कोई भी रेसलर एक चूज कर लेना है। स्टार्ट, स्क्रीन पे जो भी लिखा है उस पर दो बार प्रेस करते जाना है। मनी देख लेना कितने, 1,55,000। अब हायर टैलेंट पे प्रेस कर देना है, फिर से वही प्रोसेस दोहरानी है। ट्रोजन फोर्स और स्क्रीन पे जो भी लिखा है उस पर दो बार प्रेस करते जाना है। तो इस बार अपने को 1,32,000 मनी लग रहे हैं, जो अपने पास 1,55,000 मनी है जो अपने पास अपन हायर कर सकते। तो आपको वीक 12 कर देना है मैं हमेशा, और सैलरी 8,000 और एडवांस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद सिग्नेचर रेड लिखा है मतलब हायर नहीं हुआ है, तो फिर से सैलरी बढ़ा देनी है और एडवांस भी बढ़ा देना है। तीनों पे प्रेस करके सिग्नेचर कर देनी है। ग्रीन में लिखा है यानी समझ जाना अपन ने हायर कर चुके सिग्नेचर, और अब अपन ट्रांजेंट फोर्स से फाइट करवा सकते हैं। अब अपने पास मनी नहीं बचे आप देख सकते हैं, तो फिर से बैक कर देना है। प्ले, और वही प्रोसेस पूरी दोहरानी है। और अब आप देख सकते हैं 1,43,000 रुपीज मनी आ चुके हैं। और फिर से और कोई रेसलर को हायर करना है तो वही प्रोसेस दोहराना है। और आपको यहाँ पूरे रेसलर देखने को मिलेंगे, सिर्फ उनके नाम चेंज होंगे। अंडरटेकर, जॉन सीना, ब्रे वाइट, ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, एज स्टाइल, फिन बैलर। आप यहाँ एडिट रोस्टर करके देख सकते हैं, आपको यहाँ आप इस पर प्रेस कर देना है और आप यहाँ से रेसलर के मुंह एडिट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। कार्ड पे प्रेस कर देना है, यहाँ से आप कोई भी इवेंट चूज कर सकते हैं, मिड कार्ड, मेन इवेंट, किसी भी इवेंट पे प्रेस कर देना है।
आप यहाँ से मैच में कोई भी चेंजेस कर सकते, जैसे रूल्स यहाँ से में आयरन मैन मैच, सबमिशन, किसी भी तरह से मैच, कोई भी मैच में लगा सकता हूँ। अब जैसे चाहे वैसे आप नीचे देख सकते हैं पिन, सबमिशन, टाइम, यहाँ से आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं, मैच, बैटल रॉयल, जैसी चाहे वैसी। उसके बाद आपको अरेना में प्रेस कर देना है। यहाँ से आपका रिंग साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वैसे रिंग साइज 100% ही रखें। यहाँ से आप स्टेडियम, जिम, लॉकर रूम, स्टेडियम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रिंग चेंज कर सकते हैं, जो मैं हमेशा स्क्वायर ही रिंग रखता हूँ। और यहाँ से आप रोप का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कवर हमेशा वाइट ही रखें ताकि अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ से डेकोर, आउटडोर चाहिए, इंडोर चाहिए, स्टेडियम, वो चूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ से केज चाहिए या नहीं चाहिए, स्टील बार, वायर बार, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से फर्नीचर और वेपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप इस साइड देख सकते हैं, फर्नीचर इनसाइड चाहिए, आउटसाइड, इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर, और एनीवेयर यानी आधे अंदर आधे बाहर। रेसलर के नाम पे प्रेस कर देना है और आप कोई भी रेसलर चूज कर सकते हैं। उसके बाद प्ले कर देना है और आपकी मैच चालू हो जाएगी। आगे वाले रेसलर को कैसे पकड़ना है, कैसे स्मैक मारनी है, कैसे चेयर उठानी है, इन सब के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, हाउ टू प्ले एंड कंट्रोल। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से आगे रेसलर को मारना है तो पी से उठाता है और ऐसे उस चीज़ से मारता है और पी से ही उस चीज़ को छोड़ भी देता है। आप इसके ऊपर प्रेस करके भी मैच चेंज कर सकते हैं। अगर आपको खुद की अलग से, अब मैं टैग टीम मैच लगा के दिखता हूँ, रूल्स पे जाना है आपको, यहाँ टैग टीम चूज करना है। उसके बाद कास्ट पे जाना है और यहाँ से आप अपने रेसलर चूज कर लेने हैं। आप अपोनेंट्स भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फर्नीचर चाहिए नहीं चाहिए वो भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद प्ले कर देना है। और आपको आगे वाले रेसलर को पिन करना है तो टी से पिन करता है। टी प्रेस करने से आपका रेसलर आगे वाले रेसलर को पिन कर देगा। अगर आपको अपने रेसलर को टैग देना है तो अपने रेसलर के सबसे नज़दीक जाना है, सबसे पास जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका रेसलर अगले रेसलर को टैग दे देगा। ये आपका कंट्रोल टैग दे हुए रेसलर के ऊपर आ जाएगा।
Thanks for watching. Like, comment and subscribe. आपका इवेंट कार्ड भर जाए तो उस कार्ड को सबमिट करना होगा और जो भी है उस पर प्रेस कर देना है और लास्ट में आपको नेक्स्ट वीक का नया इवेंट कार्ड मिलेगा।